नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान जो है इंडिया में क्रिकेट खेलना चाहता है और इसके पीछे ईरान का इंटेंशन क्या है जो इंडिया में वो क्रिकेट खेलना चाहता है और इंडिया से वो हेल्प मांगा है। तो इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट्स है कि वो इंडिया से हेल्प मांगा ना कि पाकिस्तान से, और बल्कि पाकिस्तान से उसका रिलेशन अच्छा है उसके बावजूद भी। और दूसरा पॉइंट कवर करने वाले हैं कि वो क्यों चाहता है कि इंडिया हेल्प करे स्टेडियम बनाने में ईरान में। थर्ड पॉइंट से कि क्यों ईरान चाहता है कि ईरान की क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया में आकर खेले। 3 पॉइंट शेयर कर रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा ईरान का इंटेंशन कि वो आखिर इंडिया में अपने प्लेयर्स को क्यों खिलवाना चाहता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट कवर करते हैं सबसे पहले कि ईरान इंडिया से हेल्प मांगा ना कि पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से उसका रिलेशन आपको पता है बहुत ही अच्छा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ईरान सबसे पहले आता है पाकिस्तान का मदद करने के लिए। ठीक, लेकिन वो पाकिस्तान से ना हेल्प मांगकर इंडिया से हेल्प इसलिए मांगा क्योंकि पाकिस्तान से वो हेल्प करने जाएगा तो वो खुद ही पाकिस्तान उससे हेल्प मांगने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान पता है कि सबसे भिखारी देश में से एक है। उसके पास कुछ नहीं होता है, बस उसके पास गोला बारूद खरीदने के लिए ही पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। और एक पॉइंट ये भी है, पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है ना वो पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं है जितना हमारे इंडिया के क्रिकेटर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस, जितना हमारे लीग फेमस है उतना ही फेमस हमारे इंडियन क्रिकेटर भी है। तो इस वजह से ईरान इंडिया से हेल्प चाहता है, क्योंकि अगर इंडिया हेल्प करेगा तो उसका जो क्रिकेट का जो वहाँ पर एसोसिएशन है वो ग्रो करेगा, और वहाँ के क्रिकेट के जो फैंस हैं वो ज़्यादा इंडियन क्रिकेटर को पसंद करते हैं, इंडियन क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले दो क्रिकेटर्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पहला है MS धोनी और दूसरा है विराट कोहली। तो ये जाता है वहाँ के एक कोच है U19 के, वो बोलते हैं कि वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं ज़्यादा इंस्पायर होते हैं धोनी से और विराट कोहली से। तो वो U19 के कोच है और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर उनका हेल्प किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा ईरान के क्रिकेटर्स को बना देंगे, और यहाँ से अगर स्पेशली इंडियन क्रिकेटर हेल्प करेंगे ईरान के क्रिकेटर को तो वो और भी ज़्यादा अच्छा से खेल पाएंगे और पूरे वर्ल्ड में नाम कमाएंगे। और इस वजह से ईरान चाहता है कि इंडिया हेल्प करे, और सबसे बड़ी बात कि अगर इंडिया हेल्प करेगा तो वर्ल्ड में फेमस होंगे, क्योंकि इंडिया का जो क्रिकेट है ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है और क्रिकेटर भी। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि ईरान क्यों चाहता है इंडिया से स्टेडियम बनाना, ईरान क्यों चाहता है BCCI से स्टेडियम बनाना। तो देखो, जब BCCI अगर हाथ डालेगा स्टेडियम बनाने में तो BCCI का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अलग होगा। ठीक है, इसके साथ ही BCCI टेक्नोलॉजी भी देगा जिसके मदद से ईरान के क्रिकेटर्स को अच्छा हेल्प मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, वो अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे। अगर BCCI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देगा बल्कि फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा। इसके साथ ही अगर BCCI बनाता है वहाँ पे स्टेडियम तो इंडिया के क्रिकेटर्स भी वहाँ जाएंगे, और इंडिया के क्रिकेटर जाएंगे तो ईरान के क्रिकेटर भी इंडियन क्रिकेटर से सीख सकते हैं बहुत कुछ। इस वजह से ईरान चाहता है कि BCCI स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाए ईरान में, यही मेन रीज़न है। और वहाँ के U19 कोच अली ने भी BCCI से रिक्वेस्ट किया है, और वहाँ के प्रेसिडेंट रहीसी ने भी BCCI से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारी मदद करें छाबर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। यहाँ तक कि आपको बता दें, छाबर में 10 हेक्टर ज़मीन एक्वायर किया गया है क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जो कि 4000 सीट्स कवर करेगा, और यही मेन रीज़न है कि ईरान चाहता है कि BCCI उसकी हेल्प करे। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा BCCI सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, और वो ईरान को पता है कि अगर BCCI हेल्प करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा उसको क्रिकेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उसको फेम मिलेगा कि हाँ इंडिया के BCCI ने वहाँ पे स्टेडियम बनाया है, इस तरीके का फेम मिलेगा। और ईरान इसलिए भी चाह रहा है क्योंकि अभी देखो BCCI ने हेल्प किया अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में क्रिकेट को बढ़ावा देने में, क्रिकेट को बूम कराने में। अफगानिस्तान में लोग क्रिकेट तो खेलना चाहते थे लेकिन वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना वैसा टेक्नोलॉजी था, ना पैसा था। BCCI ने हर तरीके से मदद किया है, और वहाँ तक कि वार हुआ था उसके बावजूद भी BCCI ने IPL खेलने के लिए अफगानिस्तान प्लेयर्स को अलाउ किया था, ये समझ सकते हो। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वहाँ पे टेक्नोलॉजी दिया, पैसा दिया, और BCCI खुद स्पॉन्सर करता था अफगानिस्तान के प्लेयर को। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 2017 में लखनऊ में अफगानिस्तान को होम ग्राउंड बनाकर BCCI ने दिया था, और वहाँ पे इंटरनेशनल गेम भी हुआ था अफगानिस्तान का आयरलैंड के साथ।
सो जो 2017 में इंडिया में रह के इंडिया में अफगानिस्तान के लिए स्टेडियम बना के दिया है BCCI। तो इस वजह से ईरान चाहता है कि BCCI हेल्प करे, और BCCI हेल्प करेगा तो उसको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जैसे BCCI अफगानिस्तान को हेल्प किया और यहाँ पे अफगानिस्तान के क्रिकेटर आके खेलते थे और अच्छा खेलते थे तो उनको IPL में सेलेक्ट किया गया। तो इस वजह से ईरान भी चाहता है कि अगर BCCI हेल्प करेगा तो उसके जो प्लेयर्स हैं वो IPL में खेल सकते हैं। यह है थर्ड पॉइंट। यही कारण है कि ईरान चाहता है कि BCCI उसकी हेल्प करे स्टेडियम बनाने में, तो उसके प्लेयर्स IPL में खेलेंगे, पैसा कमाएंगे, तो ईरान का फ़ायदा होगा और पॉलिटिकली भी बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। अगर रिलेशनशिप बनेगा तो दोनों देश में बिजनेस अच्छा हो सकता है। इस वजह से ईरान चाहता है कि BCCI हेल्प करे। तो ये तीन पॉइंट्स थे, आपको बताना था कि ईरान क्यों चाहता है IPL में खेलना। अफगानिस्तान से जितना अच्छा रिलेशन उतना ईरान से नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पाकिस्तान के लोगों को नहीं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो उनको पता है कि जिनमिन में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है भारत, ठीक है। तो ईरान इसलिए भी चाहता है, और ईरान जानता है कि टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो वो बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है। तो आप कमेंट करके बताओ, इंडिया को हेल्प करना चाहिए ईरान का या नहीं।